शिक्षा मंत्री सीएम नीतीश कुमार के पैर छूकर आशीर्वाद ले रहे हैं। नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। आज खबर सामने आई, दरअसल चीफ जस्टिस के तौर पर कृष्णन विनोद चंद्रन ने शपथ ली। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने उन्हें शपथ दिलाई। पटना के चीफ जस्टिस बने हैं कृष्णन विनोद चंद्रन। कार्यक्रम था, कार्यक्रम में तमाम लोग पहुंचे थे। सीएम नीतीश कुमार और उनके कैबिनेट के मंत्री भी पहुंचे थे और विधानसभा अध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति, ये तमाम लोग पहुंचे हुए थे। और कार्यक्रम के बाद एक अजीबो गरीब वाक्या देखने को मिला। जी हाँ, अजीबो गरीब इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार के सरकार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने सीएम नीतीश कुमार के पांव छुए और उनका आशीर्वाद लिया। जी हाँ, अजीबो गरीब इसलिए क्योंकि प्रोफेसर चंद्रशेखर आरजेडी कोटे से आते हैं और नीतीश कुमार जेडीयू के हैं। ऐसे में आखिर पैर छूकर उन्होंने आशीर्वाद क्यों लिया, ये तमाम तरह के सवाल उठने लगे। शिक्षा मंत्री आखिर सीएम नीतीश कुमार का चरण वंदन क्यों कर रहे हैं, ये सवाल खड़े हो गए। दरअसल शिक्षा मंत्री इन दिनों सातवें चरण की शिक्षक बहाली के मसले पर बुरी तरह घिर गए हैं। जी हाँ, शिक्षा मंत्री सातवें चरण की शिक्षक बहाली, इसमें 3 लाख से ज़्यादा बहालियाँ की जानी हैं, उसमें वो बार बार अभ्यर्थियों को आश्वासन देकर फंस गए। दरअसल पिछले दिनों जिस तरह से शिक्षा मंत्री ने ट्वीट किया था और ट्वीट करने के कर उन्होंने कहा था अभ्यर्थियों से, खासकर को जो बीटेट, सीटेट और एसटेट के जो अभ्यर्थी हैं, उन्हें उन्होंने आश्वासन दिया था कि उन्होंने सातवें चरण की शिक्षक बहाली के पहले जो नई नियुक्ति नियमावली आने वाली है उस पर सिग्नेचर कर दिया है, बस कैबिनेट की मुहर लगनी बाकी है। ऐसी बात शिक्षा मंत्री ने खुद कही थी और ट्वीट भी किया था। तो ऐसे में मामला छोटा मोटा नहीं था। 3 लाख बहालियां होनी है, समझा जा सकता है कि लाखों की संख्या में अभ्यर्थी हैं और अभ्यर्थियों का दिल टूट गया। अभ्यर्थियों को जब कैबिनेट का इंतजार था, कैबिनेट की बैठक हुई लेकिन मुहर लग नहीं सकी, तो ऐसे में अभ्यर्थी और भी ज़्यादा भड़क गए और शिक्षा मंत्री पर तरह तरह के कमेंट किए जाने लगे। तो ऐसे में शिक्षा मंत्री को सुना दिया नीतीश कुमार ने। जी हाँ, पिछले दिनों सीएम नीतीश कुमार ने शिक्षा मंत्री को साफ साफ सुना दिया और कहा कि कैबिनेट की बातें कैबिनेट में रखी जाती हैं, सार्वजनिक नहीं की जाती हैं। और ये बातें सार्वजनिक तौर पर सीएम नीतीश कुमार ने शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर को सुना दिया। दरअसल शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर को उन्होंने विधानसभा के सत्र के दौरान ये बातें कही और कहा कि कैबिनेट की जो बातें हैं वो कैबिनेट के अंदर रखनी जानी चाहिए, सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए। ये बात कहते हुए सीएम नीतीश कुमार ने काफ़ी कुछ कह डाला और सातवें चरण की शिक्षक बहाली को लेकर जिस तरह से शिक्षा मंत्री ने घोषणा कर दी थी वो हवा हवाई साबित हुई। बात ये भी उठी कि कहीं ना कहीं अंदर महागठबंधन के अंदर जेडीयू और आरजेडी के बीच होड़ मची हुई है कि जो शिक्षक बहाली के लिए जो नियमावली आएगी और शिक्षक बहाली जो होगी उसका श्रेय कहीं ना कहीं लूट ले, ये बातें हो सकती हैं। और शिक्षा मंत्री कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव की सह पर आगे बढ़कर ये काम कर रहे हों, तमाम बातें आई, कहीं ना कहीं सियासत इसमें हावी दिखी। लेकिन अब शिक्षा मंत्री पैर पर गिर रहे हैं, सीएम नीतीश कुमार से आशीर्वाद ले रहे हैं सार्वजनिक तौर पर, क्योंकि सार्वजनिक तौर पर जिस तरह से नीतीश कुमार ने उन्हें सब कुछ कह दिया विधानसभा के अंदर, सभी ने देखा। और अब कार्यक्रम, जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसमें तमाम बड़े लोग मौजूद हैं, बड़े नेता मौजूद हैं और राज्यपाल भी मौजूद हैं और जो नए चीफ जस्टिस हैं, सभी लोग मौजूद हैं। और उस दौरान शिक्षा मंत्री ने नीतीश कुमार का पैर छूकर आशीर्वाद लिया। बहुत कुछ बातें तो होंगी ही, बनेंगी ही, क्योंकि शिक्षा मंत्री कहीं ना कहीं सातवें चरण की शिक्षक बहाली को लेकर बैकफुट पर हैं, पूरी तरह से बैकफुट पर हैं। उस कैबिनेट की बैठक के बाद कई सारी कैबिनेट की बैठक बीत गए लेकिन शिक्षा मंत्री कैबिनेट की बैठक में सातवें चरण के शिक्षक बहाली को लेकर जो नई नियुक्ति नियमावली लाई जानी है उसे पेश नहीं कर सके, नहीं करवा सके। तो शिक्षा मंत्री शायद अब नतमस्तक हैं सीएम नीतीश कुमार के सामने। दरअसल नीतीश कुमार का वो गुस्सा
कहीं ना कहीं असर दिखा रहा था कि कैबिनेट में वो सातवें चरण की शिक्षक बहाली के पहले जो नई नियुक्ति नियमावली जिसमें बता रहे थे शिक्षा मंत्री पिछले दिनों कि वो तमाम प्रक्रियाओं से गुजर